हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। कुरुक्षेत्र धाम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परम पूज्य श्री साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय। समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय। इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ओर से आप सभी भक्तों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम मास का आज अंतिम दिवस है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द मोस्ट पायस मोस्ट फेवरेट डे ऑफ श्री कृष्ण, फेवरेट मंथ ऑफ श्री कृष्ण, श्री पुरुषोत्तम मास। जिस प्रकार आप सब जानते हैं, परम पूज्य प्रभु जी हमें पिछले 6 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। हम सभी भक्त अति सौभाग्यशाली हैं और कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में 3 चीजें तो करनी ही चाहिए। वो है हरि नाम का उच्चारण, हरि नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत का श्रवण और धाम में वास करना अथवा दान देना। तो ये सारे के सारे जो पर्पसेस हैं वो हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा में फलफिल हो रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी भक्तों को जिन्होंने पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसका पालन किया है। आप पिछले 6 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हो, वो भी कुरुक्षेत्र धाम से। तो मैं आपको अवश्य बोल सकता हूं कि आपका पुरुषोत्तम मास का ये जो व्रत है जो आप सभी भक्तों ने रखा था वो बिल्कुल इट हैज बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ श्रीमद् भागवत कथा। आइए प्रारंभ करते हैं और डूबने का प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत कथा के रस में। परम पूज्य सत्यपति दास प्रभु जी से निवेदन है कि प्रभु जी का माल्यार्पण करके हम सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी का स्वागत करें। सभी हाथ उठा के 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। सो टुडे यू हैव टू कीप द एनर्जी हाई। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ पुरुषोत्तम मास। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठिएगा और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लीजिएगा। ये मौका, ये पल, ये दिन अगले 2.5 साल बाद आने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट बिकम वेरी वेरी कॉशियस एंड लेट्स लिसन टू श्रीमद् भागवत कथा फ्रॉम हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी श्रोताओं से निवेदन है, आइए सबसे पहले भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा Yashodanandana, Bhaja Janarandana.
श्री राधा माधव बोलिए सब बोलिए गोविंद राधे
नदिया बिहारी गोर हरी सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद साहित्यम्य प्रकाश च वितीर्य च प्रचारम कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशताने वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भाम नमन संघ की शाखा धर्म क्षेत्र पुस्तक की ओर से मैं सभी पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा के मुख्य यजमानों का अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से ये सादृश्य कथा आज विश्राम ले रही है। मैं सभी इस कथा के यजमानों के लिए भगवान श्री राधा कान्त जी के चरणों में लंबी आयु सस्वी जीवन और भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करता हूँ। आप सब भक्तों का कृष्ण पुराण खूब फले फूले, यही मेरी भगवान श्री राधा कान्त जी के चरणों में प्रार्थना है। और इस कथा में भाग लेने वाले देश विदेश के जो भक्त हैं, इसको खुदा के फेसबुक पर जो प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आपके लिए भी आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और आपके लिए भगवान राधा कान्त जी के चरणों में मंगल की प्रार्थना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे।
तो आज ये भागवत कथा का विश्राम दिवस है। कथा का भी अंत नहीं होता, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है तो उनकी कथा भी अनंत है। अनंत शेष अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं और जितना करते हैं उतना और उनको याद आता है। अनंत समय से कर रहे हैं और अब तक भी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए भगवान की जो कथा है वह केवल विश्राम लेती है और समय आने पर फिर दोबारा से जाग जाती है। तो 7 दिन से कथा जो है आज ये कथा विश्राम लेगी और फिर पुनः ये जागेगी। तो धर्म क्षेत्र कुशुद्धा की कथा है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आते हैं, यदुवंशी हस्तिनापुर से आते हैं, ब्रजवासी मथुरा वृंदावन से आते हैं और अन्य पूरे भारत से अन्य देशों से जो है यहाँ पर हैं राजा लोग संत महात्मा लोग इकट्ठे होते हैं सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में। और कल कथा चल रही थी किस प्रकार सभी संत महात्मा जिनमें देवऋषि नारद जी हैं, वेद व्यास जी हैं, परशुराम जी हैं, भृगु मुनि हैं, विश्वामित्र जी हैं, अन्य बहुत सारे संत महात्माओं का मैंने नाम बताया था, सभी भगवान श्री कृष्ण के पास उनको मिलने के लिए आते, उनके दर्शन की इच्छा से आते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, स्वागत करते हैं संत महात्माओं का और फिर भगवान संत महात्माओं के संग की महिमा गुणगान करते हैं, जिसको सुनकर के सभी संत महात्मा हैरान रह जाते हैं कि हमारे प्रभु हमारा गुणगान कर रहे हैं, हमें तो इनका गुणगान करना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ये तो अपनी माया से मोहित करना चाहते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण कौन है, ये तो परम ब्रह्म है। और फिर जो संत महात्मा हैं भगवान की वंदना करते हैं, भगवान के अनुमोदन में अनेक श्लोकों का उच्चारण करते हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय ऐकुंठ मेद से स्वयोग माया आच्छन महिमने परम आत्मने। तो सभी संत महात्मा क्या कहते हैं, हम अनंत बुद्धि वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपनी योग माया के द्वारा अपनी महानता को छिपा रखा है। तो सभी जो संत महात्मा हैं भगवान को प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे अनंत बुद्धि वाले भगवान श्री कृष्ण, आप हम आपको नमस्कार करते हैं, आपने वास्तव में अपनी योग माया के द्वारा अपनी महानता को छिपा रखा है। आप एक साधारण मनुष्य की तरह आचरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप हैं परम ब्रह्म हैं। देखो न तो ये राजा जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, न ही विष्णुजन जिनके बीच में आप रह रहे हो और जो आपकी घनिष्ठ संगति का लाभ उठाते हैं, आपको समस्त सृष्टि के आत्मा काल की शक्ति तथा परम नियंता के रूपों में जानते हैं, नहीं जानते हैं, मतलब ये नहीं जानते, न तो राजा जानते हैं, न विष्णुजन जानते हैं और न जो आपके निकट रहने वाले आपके घनिष्ठ हैं, ये आपको वास्तव में आपकी महिमा को नहीं जानते कि आप सृष्टि की सारी सृष्टि की आत्मा हो, काल की शक्ति हो और परम नियंता हो। आप उनके लिए उसी प्रकार से छिपे रहते हैं जैसे पर्दे के पीछे को छिप जाता है। तो आपको समझना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है, तय अद्य ते ददृशिम अंग्रिम अग ओगमर्षा तीर्थ अपसदम हृदय कृतम सुविपक्व योगे उत्सिक्त भक्ति उपहत आश्य जीव कोशा आपो भवत गतिम अत अनुग्रहणम भक्तानाम। आज हमने आपके उन चरण कमलों का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया है जो उस पवित्र गंगा के उद्गम है जो पाप समूह को धो डालती है। पूर्ण योगी आपके चरण कमलों का ध्यान उत्तम विधि से
अपने हृदय में कर सकते हैं, किंतु वे जो आपकी पूरे मन से भक्ति करते हैं और इस तरह आत्मा के आवरण अपने भौतिक मन को दूर करते हैं, वे आपको अंतिम गंतव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। अतएव आप हम पर कृपा प्रदर्शित करें। तो सभी संत महात्मा जो है अपने आप को बड़े भाग्यशाली मान रहे हैं कि हे प्रभु, आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे को आपके दर्शन, आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये वो चरण कमल हैं जिनके हैं द्वारा गंगा का उद्गम होता है, और वह गंगा क्या है, जो सभी के पापों को धो डालती है। हे प्रभु, जो पूर्ण योगी होते हैं वो उत्तम रीति से आपके अपने ध्यान में आपको चिंतन करते रहते हैं, आपके चरणों का दर्शन करते हैं, किंतु जो पूरे मन से भक्ति करते हैं और जिनका भक्ति करने से जो भौतिक मन है वो शुद्ध हो जाता है, वास्तव में वे आपको अपना अंतिम गंतव्य के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात जो भक्त होते हैं वो आपको प्राप्त करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य आपकी सेवा करना है, आपको प्राप्त करना है। अतः आप हम पर कृपा करें हैं और हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराजा परीक्षित, हे ज्ञानवान राजा, इस तरह कहकर मुनियों ने धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर महाराज आदि से विदा होने की अनुमति मांगी। और जब वो अपनी कुटिया की ओर जाने लगे, यह देख करके कि साधु लोग विदा होने वाले हैं, तो विख्यात वसुदेव जी उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनको नमस्कार किया, उनके चरणों को स्पर्श किया हैं, और बाद में बड़ी सावधानी से चुने हुए शब्दों से उनसे कहा, क्या कहा, श्री वासुदेव उवाचा, भगवान कृष्ण के पिताजी अब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन कर रहे हैं। नमो वे सर्वदेवभ्य देवेभ्य ऋष्य श्रोतुम अर्हत क्रमणा कर्म निहारा यथा स्यात् न तत् उच्यताम। श्री वासुदेव ने कहा, हे समस्त देवताओं के निवास, आपको नमस्कार है। हे ऋषियों, कृपा करके मेरी बात सुने, कृपा करके हमें बताएं कि मनुष्य का कर्म फल किस तरह से आगे क्रम करके मिष्ट किया जा सकता है, अर्थात कैसे व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कृपया ये बताने की कृपा कीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि किस उपाय के द्वारा व्यक्ति अपने कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जैसे कि दोबारा आवागमन के चक्कर से हमें ना पढ़ना पड़े। तो वासुदेव जी के ऐसा पूछने पर नारद जी समझ गए किस तरह वासुदेव ने अपने आप को सामान्य ग्रस्त मानते हुए मुनियों से कर्म योग के विषय में पूछा है। यद्यपि उन्हें पहले ही आध्यात्मिक जो लक्ष्य है प्राप्त हो चुका है, जिसे बड़े बड़े योगी तथा ऋषि भी प्राप्त नहीं कर सकते। संसिद्धि हरितोषणम, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। तो नारद जी जब वसुदेव जी ने ऐसे पूछा, तो तुरंत नारद जी समझ गए कि जो वसुदेव जी हैं वो एक सामान्य गृहस्थ का फर्ज निभाते हुए मुनियों से कर्मयोग के बारे में पूछ रहे हैं। यद्यपि जो ये वसुदेव जी हैं ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, जो भगवान बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वियों को प्राप्त नहीं होते, वो इनके पुत्र बन के प्रकट हुए हैं। अर्थात
ये भाग्यशाली हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को एक साधारण व्यक्ति मान रहे हैं। तो तात्पर्य में आया है, विश्वनाथ ठाकुर जी कहते तो भी नारद जी को चिंता हुई। नारद जी को क्या हुई? चिंता हुई कि वासुदेव जी इतने सारे मुनियों के सामने कृष्ण को नीरा बालक समझ कर अनुचित वातावरण पैदा ना कर दे, यदि कहीं कृष्ण के बारे में कुछ ना बोल दे, अटपटी बात ना बोल दे, हैं। इसको समझते हुए तुरंत जो है नारद जी जो है एक्शन में आ गए और नारद जी ने क्या किया, अन्य मुनियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर भाव बनाए रखना, कुछ अन्य मुनियों ने भी भगवान कृष्ण के प्रति जो है आदर भाव बनाए रखना उचित समझा, अतः कोई भी कृष्ण की अवहेलना नहीं कर सके, कोई भी भगवान कृष्ण का अनादर नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए वहां पर नारद जी ने उपस्थित सारे के सारे व्यक्तियों को श्री कृष्ण की श्रेष्ठता के बारे में बतलाना चाहा और क्या कहा, ये तो आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? सन्निकर्ष अत्र मृत्यानाम अनादरम कारणम गंगम हित्वा यथा अन्य अमृत तत्र याति शुद्धये। नारद जी कहने लगे कि संसार में परिचय बढ़ने से अनादर बढ़ता है। कहने का भाव क्या था कि श्री कृष्ण जो हैं इतने आसानी से वसुदेव जी को सुलभ हैं, तो ये जो वसुदेव जी हैं कृष्ण की महिमा को नहीं जान पा रहे हैं, सब ज्ञानों के हैं, सब सर्वज्ञ श्री कृष्ण के पास इनके पुत्र के रूप में इनको प्राप्त हैं, उसके बावजूद भी ये ऋषियों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये उसी के समान है। क्या समान है? कि जैसे अगर किसी के साथ संबंध बढ़ जाए तो क्या होता है, संबंध बढ़ने से व्यक्ति आदर हो बैठता है। उदाहरण दिया, जैसे गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपनी शुद्धि के लिए गंगा में स्नान न करके अन्य जलाशय को स्नान करने के लिए जाए, अर्थात गंगा के किनारे रहने से वो गंगा की महिमा को भूल गया। ऐसे ही कई बार जो है भक्त जो है बड़े भक्तों के संग करके उन बड़े भक्तों की महिमा को भूल जाते हैं, उनको अपने जैसा महसूस शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार नारद जी सबको बताना चाहते हैं कि वासुदेव जी वास्तव में क्या है, भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मान रहे, अपने पुत्र मान रहे हैं, वास्तव में इनके पुत्र नहीं है, ये तो सारे संसार के पिता हैं। इसी प्रकार हो रहा है कि जैसे कोई गंगा के किनारे रहकर कभी गंगा की महिमा को ना जानता हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा प्रसिद्ध, तब मुनियों ने वासुदेव को संबोधित करते हुए कहा, जब अच्युत श्री कृष्ण और बलराम सहित सारे के सारे राजा सुन रहे थे, कर्मणा कर्म निर्हारा ऐसे साधु निरूपिता यत सर्दया जयत विष्णु सर्व यज्ञेश्वरम मखे। मुनियों ने कहा, यह पहले से निश्चित कर दिया जा चुका है कि कर्म को उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जा सकता है, जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करने के साधन रूपी वैदिक यज्ञ का संपन्न करता है। अर्थात मुनियों ने कहा कि महाराज वसुदेव जी, आपके जानकारी के लिए संत महात्माओं के द्वारा पहले ही ये निश्चित किया जा चुका है कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों से मुक्ति चाहता है उसको भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कौन, भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं,
यज्ञात् कर्मण्योऽन्यत्र लोको अयम् कर्म वन्दना तदर्थम् कर्म कौन्तया मुक्त संघ समाचरा। हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों को यज्ञ में बदलो। तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला कर्म यदि यज्ञ में नहीं बदला गया तो लोको अयम कर्म बंधना, वो तुम्हें इस संसार में बांध देगा। कितना अच्छा समझ के करो, कर्म यदि आपने अपने कर्म को यज्ञ में नहीं बदला वो तुम्हें इस संसार में बांध देगा। बंधनकारी होगा तुम्हारे द्वारा कर्म किया जाने वाला कर्म। अर्जुन ने पूछा तो फिर क्या किया जाए, कैसे मुक्ति प्राप्त है। तद अर्थम कर्म कौन्तेया, ओम तत्सत अर्थात वेदों में आया है जो क्रिया जो कार्य हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो यज्ञ हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेया, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। यदि तुम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे, कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तो देखिएगा, कोई भी क्रिया अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो फिर कर्म नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। वो और भगवान कहते हैं जब कोई यज्ञ करता है अपने कर्म को यज्ञ में बदल देता है तो फिर कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें प्रत्येक क्रिया को भगवान से जोड़ना चाहिए। जैसे अपने घर में झाड़ू लगाना है, एक क्रिया साधारण क्रिया है। यदि इस क्रिया को हम ये सोचें कि मेरा घर भगवान का मंदिर है, हैं, और उसमें घर में झाड़ू लगाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो झाड़ू लगाना भी एक हो जाता है। माताएं घर में भोजन पकाती हैं, यदि ये सोच के पकाएंगे मेरे घर में हैं भगवान गोणिताय जी हैं, भगवान राधा कृष्ण जी हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर उनको भोग लगाया जाता है, तो उनका भोजन बनाने की क्रिया भी जो हो जाती है क्या हो जाती है, यज्ञ हो जाती है। कोई फूल माला बनाते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, तो उनका फूल माला बनाना भी यज्ञ में बदल जाता है। कुछ भक्त भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते हैं, तो उनका वस्त्र बनाना भी क्या हो जाता है, यज्ञ में बदल जाता है। जो लोग जो भक्त भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए कार्य करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला सहयोग, उनके द्वारा जाने वाला कर्म, वो भी यज्ञ में बदल जाता है। यहाँ तक कि इस बात को समझ करके अर्जुन ने भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए महाभारत के युद्ध में करोड़ों को मार दिया, सैनिकों को मार दिया, उसके बावजूद भी उसको कोई पाप नहीं लगा। आज भी अर्जुन की भगवान के साथ पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन ने जो योद्धा मारे थे महाभारत के युद्ध में, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मारे थे। भगवान कृष्ण के कहने से, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अनेक योद्धाओं का, करोड़ों योद्धाओं का वध किया। कोई भी अर्जुन को हत्यारा नहीं किया था, हैं? तो इसका मतलब अर्जुन ने जो युद्ध किया था वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए किया, इसलिए अर्जुन का युद्ध करना भी क्या हो गया था, यज्ञ में बदल गया। और भगवान यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ में बदल देगा तो वह अपने कर्म फल से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उसके लिए कर्म बंधन का कारण नहीं रहेगा। अयम स्वस्ति अयनम पंथ द्विजाते गृह में दिना यदया आप वित्ते न शुक्लेन इज्जते पुरुषः। धार्मिक द्विज गृहस्थ के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वे ईमानदारी से प्राप्त की गई संपत्ति से भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे। हरे कृष्ण। गृहस्थ के लिए वो श्लोक इम्पोर्टेंट है जो संत महात्मा बता रहे हैं कि अपने धन के द्वारा क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए ईमानदारी के साथ, निष्काम भाव से। तोभ्यम वस्तु कृष्ण तुम समर्पयामि, हे कृष्ण मेरे पास जो कुछ भी है
मेरा नहीं है, वो सब आपका है, हैं? और अब सत्संग करके भागवत कथा सुन करके मुझे मालूम हो गया है, हैं? कि मेरे पास जो कुछ भी सब आपका है, और अब मैं सहर्ष आपकी सेवा के लिए इसको आपको अर्पण करता हूँ। ऐसे भाव से यदि हम अपने धन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऋणेत्री भी द्विज जाता देव ऋषि पितृणाम यज्ञ अध्ययन पुत्रे तानी अनिस्त्रिय तज्जन पतेत। ऋणेत्री भी द्विज जाता देव ऋषि पितृणाम प्रभु यज्ञ अध्ययन पुत्रे तानी यानी त्रिय तजन पतेत। अर्थात हे प्रभु, एक द्विज तीन प्रकार के ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण और अपने पूर्वजों के प्रति ऋण लेकर के उत्पन्न होता है। यदि वह यज्ञ शास्त्र अध्ययन तथा संतान उत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकता किए बिना अपना शरीर त्याग देता है तो वह नरक में जा गिरेगा। अर्थात यहाँ पर सब ऋषि बता रहे हैं वसुदेव जी को कि हर एक व्यक्ति जो है, तीन ऋण के तीन ऋण लेके पैदा होता है। जन्म से सिर पर तीन ऋण चढ़े होते हैं, द्विज के पर। क्या पहला किसका? देवताओं का ऋण। देवता हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। हर एक वस्तु के अलग अलग देवता हैं, जो हमें वस्तु प्राप्त होती है हम उनके ऋणी हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे को अध्यात्म ज्ञान मिलता है वो मुनियों की कृपा से मिलता है, हम उनके ऋणी हो जाते हैं। और जो संतान हमें प्राप्त होती है वो हमारी पूर्वजों की कृपा से होती है। तो कहने का भाव यह है कि यज्ञ करने से, शास्त्र अध्ययन करने से तथा संतान उत्पत्ति के द्वारा व्यक्ति इन ऋणों को चुकता कर सकता है, और जो नहीं करता, इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना शरीर त्याग देता है तो उसको नरक में गिरना पड़ता है। तो वासुदेव जी से कहते हैं सभी संत महात्मा, किंतु हे महामते, आप तो पहले से ही अपने दो ऋणों मुनियों के तथा पूर्वजों के ऋण से मुक्त हैं। आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से भी ऋण हो लो, आपका क्रम बंधन समाप्त हो जाएगा। वासुदेव भगवान नूनम भक्तया परमया हरिम जगताम ईश्वरम प्राच्यः सयत वाम पुत्र ताम गतः। हे वासुदेव, निसंदेह आपने इसके पूर्व समस्त जगतों के स्वामी भगवान हरि की पूजा की होगी। आप तथा आपकी पत्नी दोनों ही परम भक्ति के साथ उनकी पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने अब आपके पुत्र का रूप स्वीकार किया हुआ है, आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की होगी। अर्थात भगवान कृष्ण तुम्हारे पुत्र बने हुए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इतनी आसानी से आपको उनका संग नहीं मिला भगवान कृष्ण का, क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने पूजन में क्या की होगी, भगवान की दोनों ने मिलकर, पति पत्नी मिलकर बहुत सेवा की होगी, हरि की पूजा की होगी। और वास्तव में सत्य भी यही है। देव की वासुदेव ने क्या किया था, तपस्या उठाया था अपने पूर्व जन्म में भगवान को पुत्र प्राप्त करने के लिए, बहुत कठिन तपस्या उठाई थी भूखे प्यासे रह करके। फिर भगवान प्रसन्न हुए थे तो भगवान ने उनको क्या दिया था, वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र, उन्होंने बोला था कि हमें पुत्र चाहिए, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान जो है उनके पुत्र बन के आए थे।
तो यही बात उनको याद करा रहे हैं संत महात्मा कि निसंदेह पूर्व जन्म में हे महाराज वसुदेव, आपने और आपकी पत्नी ने अपनी पूजा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया होगा, तभी तुम्हारी पूजा से खुश होकर के ये आपके पुत्र की भूमिका इन्होंने स्वीकार की हुई है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। और यही नारद जी जो हैं पुनः 11वें स्कंद के 5वें अध्याय 41 श्लोक में जब दोबारा वसुदेव जी को उपदेश देते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो न अयम च राजन सर्व आत्मना ये शरणम शरण्य गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। हे राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग कर सबों के आश्रय दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वह देवताओं ऋषियों सामान्य जीवों संबंधियों मित्रों मानव जाति या अपने पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि ये सब भगवान के अंश हैं और अंशी की सेवा करने का मतलब अंश की सेवा स्वयं हो जाती है, उनकी अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं रह जाती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद जी के वचन है, नारद जी कहते हैं कि वास्तव में बड़ा वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। कौन भाग्यशाली है? जो भगवान मुकुंद, जो भगवान श्री कृष्ण की, कौन है श्री कृष्ण? सर्व आत्मना, जो सभी की आत्मा है, जो भगवान मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की जो सबकी आत्मा है उनकी शरण लेता है, शरण में आ जाता है, तो वह फिर किसी के भी किसी का ऋणी नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति रहने के बाद उसके जीवन में किसी का ऋण बाकी रहता ही नहीं है, सबका ऋण क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अबंडल ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर टू मी, तुम सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे के सारे पापों से तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम मेरी बात पे शंका मत करो, शोक मत करो, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, बस मेरी शरण में आने की देरी है। जो भी भगवान की शरण में आता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे पापों से उसको क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, उसके पास किसी का ऋण बचेगा ही नहीं। ये भगवान गीता में घुस एक ये भगवद गीता में भगवान का अंतिम संदेश है कि मेरी शरण में आ जाओ, आप चिंता मत करो। और यहाँ पर भगवान क्या करें, सर्वधर्मान, और भगवद गीता के 4वें अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए अवतार लेता हूँ। 4वें अध्याय भगवान बोलते हैं क्या कि धर्म एक है, यदा यदा ही धर्मस्य, एक वचन बात धर्मान्य का, और यहाँ पर भगवान कहते सर्वधर्मान, सारे धर्मों का परित्याग करो। हैं तो इसको समझना होगा, माम एकम शरणम व्रजा, ये असली धर्म है, सबको छोड़ के भगवान कृष्ण की शरण में जाना ये असली धर्म है, और इसके अलावा अपने आप को क्या सोचना, ये मेरे गुरुजन हैं इनकी सेवा करना, मेरे माता पिता की सेवा करना, ये मेरे परिवार वाले इनकी सेवा करना, देश की सेवा करना, ये नैमित्तिक धर्म है, हैं? तो जब नैमित्तिक जो धर्म है
वो हमारे असली धर्म में रुकावट डालते हैं। सभी पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए नर्तन मिला है, उनकी सेवा में यदि किसी का कोई भी तथाकथित नैमित्तिक धर्म जो है, व्यावहारिक धर्म जो है, वो रोड़ा बनता है तो भगवान कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। यद्यपि व्यवहारिक धर्म को मैं राजा हूँ, ये माता हूँ, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये मित्र है, ये सब पैदा करने वाले कौन है, चतुर्मण्य अमास अष्टम गुण क्रम विभाग सा चार वर्ण चार आश्रम को पैदा करने वाले स्वयं भगवान है। लेकिन किसके लिए, जब ये चार वर्ण चार आश्रम जो हैं, जब ये मिलकर के भगवान की सेवा में प्रयोग होते हैं तो सार्थक हैं। यदि यही भगवान कृष्ण की सेवा में रुकावट डालते हैं तो इनका प्रत्याग कर देना चाहिए। अर्जुन सोच रहा था कि मैं अपने गुरुजन हैं द्रोणाचार्य के ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा, उनको कैसे मानूंगा, मैं पितामह भीष्म की गोदी में खेला हूं, इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा, इनको कैसे मारूंगा, इसे तो पाप लगेगा। अर्थात अर्जुन का जो व्यवहारिक धर्म है वो भगवान के उसको भगवान कृष्ण की सेवा से रोक रहा था। भगवान बार बार बोलते उठो इनको मारो, उठो इनको मारो, हैं बार बार टाले जा रहा था। तो भगवान को अपना स्टैंडिंग आदेश सुनाना पड़ा अर्जुन को, सबको छोड़ो, सब धर्मों को छोड़ो, भूल जाओ, अरे मेरी शरण में आ जाओ। अरे अर्जुन तुम जब मेरी शरण में आ जाओगे तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पाप से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मोक्ष श्यामि मा सुचा। तो यही बात यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं कि जो एक बार भगवान कृष्ण की शरणागति ले लेता है, भगवान की शरणागति कृष्ण की शरणागति ले लेता है, फिर उसके जीवन में देवताओं के ऋण नहीं रहते, उसके जीवन में ऋषियों का ऋण नहीं रहता, सामान्य लोगों का ऋण नहीं रहता, संबंधियों का, मित्रों का, मानव जाति का और पितरों का ऋण भी नहीं रहता, सारे के सारे ऋण क्या जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि वृक्ष की जड़ में पानी डाले तो क्या होता है, पूरा वृक्ष की जो तना है, टहनियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सबको जड़ पहुंच जाता है, अलग अलग पानी देने की जरूरत नहीं जाती। जैसे हम अपने पेट में भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियों को एनर्जी पहुंच जाती है, अलग अलग से हमें भोजन अंगों कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, उनकी शरणागति लेकर उनकी सेवा में लग जाता है, उनकी भक्ति में लग जाता है, तो उसको फिर अन्य किसी की भक्ति करने की सेवा करने की जरूरत नहीं रह जाती। एक भगवान कृष्ण की भक्ति करने का मतलब सर्वकर्म कृतः, कि मैंने सब अपने कार्य संपन्न कर लिए। यदि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करता हूँ तो मैंने अपने सारे अन्य कर्म जो है वो क्या कर लिए, पूर्ण कर लिए, ये विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधे गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर कुरुक्षेत्रा में धार्मिक नियमों का पालन करते हुए उत्तम अनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार महाराज जो वसुदेव हैं अपने पूरे परिवार के साथ अग्नियग में लग गए। बहुत विशाल बड़ा भव्य है यज्ञ संपन्न हुआ, और यज्ञ की समाप्ति पर वसुदेव ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया, उन्हें गायें, भूमि और विवाह योग्य कन्याओं का दान दिया ब्राह्मणों को। पत्नी सयाज तथा अवभृत्य अनुष्ठानों को संपन्न करने के बाद उन्होंने सभी ने, पूरे यदुवंश के परिवार सब ने परशुराम सरोवर में अर्थात ब्रह्म सरोवर में स्नान किया और फिर सभी को अन्न दान दिया, यहाँ तक कि कुत्तों को भी भोजन करा के सम्मानित किया गया, सभी बंदीजनों को सबको बांट गए, जिसने जो मांगा दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके पश्चात राजाओं और ने मुनियों हैं उसके पश्चात सभी राजाओं और मुनियों ने लक्ष्मी निवास श्री कृष्ण से अनुमति लेकर के वसुदेव जी के यज्ञ की महिमा गुणगान करते करते वहां से प्रस्थान किया। अब जो है
हैं, सब जो है भगवान कृष्ण से वासुदेव जी से अनुमति लेकर के अपने अपने निवास स्थान के लिए चल पड़े, विदाई लेने लगे। अब वासुदेव जी जब सब जाने लगे, अब वसुदेव जी नंद महाराज का हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे इस प्रकार का, हे भ्राता, स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है जो मनुष्य को दृढ़ता पूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीर तथा योगियों तक को इससे छूट पाना कठिन होता है। हे नंद महाराज, आप जैसे संत महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया। हे भ्राता, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी आंखें भौतिक मद से इस तरह अंधी हो चुकी है कि हम आपकी उपेक्षा किए जा रहे हैं। आपको जो हमें सम्मान देना चाहिए था, जो आपको हमें आपकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तो हम नहीं कर पाए। अर्थात मैं आपके ऋणों को भूल ही गया। जो आपने मेरे ऊपर उपकार किए थे, मेरे बच्चों को पाला, मेरे बच्चों को बचाया कंस के अत्याचारों से, हैं, उसके बाद मैं जब ऐश्वर्य में चला गया, जब द्वारका का राजा बन गया, तो उसके बाद मैं बिल्कुल आपको भूल गया। वास्तव में महाराज्य श्री अभूत पुंसा श्रेय कामस्य मानदा स्वजनान उत्बंधून वो वा न पश्यति यथा अंधदृका। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोल रहे हैं। कौन? वसुदेव जी। वसुदेव जी ने नंद महाराज से कहा, हे अत्यंत आदरणीय, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे कभी राशि ऐश्वर्य को प्राप्त ना करें। जो अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। कौन बोले? वसुदेव जी बोले, भगवान कृष्ण के पिताजी बोल रहे हैं, हे अत्यंत आदरणीय, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात भगवत धाम जाना चाहते हैं, वे कभी राशि ऐश्वर्य प्राप्त न कर पाए, क्योंकि इनसे वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकता के प्रति अंधे बन जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, प्रतिष्ठा के हैं नशे में आकर के अपने स्वजनों को भूल जाते हैं, अपने आश्रितों को भूल जाते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। अर्थात मेरे को द्वारका का साम्राज्य मिल गया तो मैं आपको भूल गया, आपके ऊपर वो भूल गया, एक बार भी आपके पास नहीं गया। मैं द्वारका से आपके पास आ सकता था, ब्रज में आ सकता था, आपका धन्यवाद कर सकता था, आपकी सेवा कर सकता था, लेकिन मैं अपने ऐश्वर्य में भूल गया था। पश्चाताप कर रहे हैं कौन? वसुदेव जी। कि वास्तव में जिसको अपना जीवन सफल करना है, उसके जीवन में हैं ये राशि ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए। उधर देखिएगा, कुंती महारानी भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी रेदमान मदपमान न एव अर्ति अभी धातुम त्वाम अकिंचन गोचरम। कि हे कृष्ण, ये चार चीजें आपकी भक्ति में, आपकी प्राप्ति में अभिशाप हैं। जो आपको प्राप्त करना चाहता है, जो भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उनके जीवन में ये चार चीजें अभिशाप मानी गई है। ऊंचे कुल में जन्म हो जाना, जब किसी का ऊंचे कुल में जन्म हो जाता है तो उसी में ही अहंकार में, तब तो ऊंचे कुल का हूं, वो दूसरों का सम्मान नहीं करता। ऐश्वर्य, किसी का बहुत सुंदर बन के पैदा हो जाना, अपनी सुंदरता के नशे में रहता है और उसका सम्मान नहीं करता। श्रुत, किसी का बहुत बड़ा विद्वान बन जाना, विद्वान बनने के बाद उसी को फिर अनादर करता है, ये तो कुछ नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूँ। और श्री, बहुत अपार धन संपदा का की प्राप्ति हो जाना, बहुत धनी बन जाना। कुंती महारानी कह रही भागवत में है, इनको प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में मद बढ़ता है, झूठा अहंकार बढ़ता है, और फिर ऐसे जो अहंकार बढ़ जाता है तो लोग आपकी भक्ति नहीं कर पाते, आपकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। मानव जीवन में
भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हाँ हे प्रभु, आपको तो केवल वही प्राप्त कर सकते हैं, त्वाम अकिंचन गोचरम, जो अकिंचन है, दीनहीन है, जिनका कोई किसी प्रकार का, जिनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, अपने आप को दीनहीन समझते हैं हर तरह से, हाँ अपने आप को पतित मानते हैं और आपकी आपके नाम कीर्तन में आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे जो अकिंचन लोग हैं, दीनहीन जो भक्त हैं, वही आपको प्राप्त कर पाते हैं, हैं? लेकिन जो अपने धन के नशे में, सुंदरता के नशे, ज्ञान के नशे में, अपने पद के नशे में रहते हैं, वो वास्तव में आपको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात वसुदेव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वास्तव में जिसको अपने जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना है, वे कभी भी अपने जीवन में राशि ऐश्वर्य को प्राप्त ना करें, क्योंकि इसे करने से क्या होता है, उनके अहंकार बढ़ जाता है और अपने आश्रितों का, अपने स्वजनों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपने प्रति नंद महाराज की मित्रता को याद करके वासुदेव जी रोने लगे, एक एक उनके नंद महाराज के उपकारों को गिना करके रोना रोने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नंद महाराज भी अपने मित्र के प्रति स्नेह से पूर्ण थे, हैं? और उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि वास्तव में जो नंद महाराज थे, बार बार वसुदेव से कहते थे, भैया आज मैं कुछ समय के बाद चला जाऊंगा, आज मैं जाने वाला हूं, और फिर बोलते नहीं आज नहीं कल जाऊंगा। करते 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 हैं 3 महीने, कितने 3 महीने यहां पर इस आशा से रहे नंद महाराज जी कि आज मैं कृष्ण को अपने साथ लेके जाऊं, समझा करके लेके जाऊंगा, आज लेके जाऊंगा, आज लेके जाऊंगा। हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि वो टलम टूल करते रहे, और उसका कारण क्या था कि नंद महाराज चुपके से कृष्ण को अपने साथ ब्रज ले जाना चाहते थे, किंतु वह वासुदेव जी का मन तोड़ना नहीं चाहते थे, प्रेम से चुपके से लेके जाना चाहते थे। और 3 मास के बाद नंद महाराज कृष्ण के पास पहुंचे, और उनसे बोले, पुत्र तुम्हारे दिव्य मुख से बहने वाले पसीने की एक बूंद पर मैं अपने असंख्य जीवन देने को तैयार हूं। हे पुत्र, तुम्हारे दिव्य मुख से बहे पसीने की एक बूंद के ऊपर मैं अपने असंख्य जीवन देने को तैयार हूं, अब मुझे मत तड़पाओ, मेरे साथ हाँ चलो ब्रज चलो, मैं एक क्षण भी यहां और नहीं ठहर सकता, कृपया मेरे साथ वापिस ब्रज चलो। तो कृष्ण चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तब वसुदेव जी के पास गए, उनसे कहा, मित्र कृपया कृष्ण को ब्रज भेज दीजिएगा। महाराज उग्रसेन ने से प्रार्थना की कि आप मेरे मित्र वसुदेव को आदेश दो कि अपने हैं वो कृष्ण को मेरे साथ भेजे, और ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने आप को परशुराम सरोवर में डुबो दूंगा। कौन कह रहे? नंद महाराज कह रहे हैं किसको? वासुदेव और उग्रसेन महाराज को। अगर तुम मेरे साथ कृष्ण को नहीं भेजोगे तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को हैं परशुराम सरोवर में डुबो दूंगा। नंद महाराज के शब्द सुनकर के वसुदेव जी ने मूल्यवान भेंटे देकर के उनको शांत करना चाहा, समझे, किस तरह से मनाने का प्रयास किया, क्योंकि राजनीति में पटु थे। वासुदेव ने कहा, मित्र नंद महाराज, यह सत्य है कि कृष्ण के बिना तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, और हम इस आपको किस तरह मरने दे सकते हैं, मुझे तो कृष्ण को किसी न किसी तरह से ब्रज से
ब्रज में भेजना ही है, ये तो मैंने ठाना हुआ है। बस एक बार ये सारे के सारे अपने स्वजनों के साथ जाकर के सबको द्वारका छोड़ के आ जाए, और द्वारका जाने के बाद मैं तुरंत इसको क्या कर दूंगा, तुम्हारे पास ब्रज में भेज दूंगा। क्योंकि रास्ते में अनेक राजा जो हमारे विरोधी हैं, हैं, हो सकता है वो हमारे पर आक्रमण कर दें, इसलिए बस इतनी बात मान लो कि एक बार ये हमारे को द्वारका छोड़ाए, और द्वारका जाने के बाद तुरंत जो है कृष्ण को तुम्हारे पास ब्रज में भेज देंगे। ये सुनकर के महाराज उग्रसेन बोले, हे ब्रजपति, मैं वासुदेव के कथन से का साक्षी हूँ, मैं इसका विटनेस हूँ, प्रण करता हूँ यदि मुझे इसके लिए बल का प्रयोग भी करना पड़ा तो मैं बल का प्रयोग करूँगा और द्वारका से तुरंत जाकर क्या करूँगा, कृष्ण को तुम्हारे पास ब्रज में भेजूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन नंद महाराज जी नहीं मान रहे थे, अड़े हुए थे क्या करने के लिए, कृष्ण को अपने साथ वापिस वृंदावन लेके जाने के लिए, क्योंकि उनको नाराज जी ने क्या कहा था, जाओ कृष्ण कहाँ से आ रहा है, द्वारका से पूरे प्रभाव के साथ आ रहा है, कहाँ कुशुत्रा में है, घर के उपलक्ष में दान और यज्ञ करने के लिए, जाकर उनको मिलो, उनको कुछ वृंदावन आने के लौटने का निमंत्रण दो है। तो सभी स्नान करने की इच्छा से नहीं आए थे कुशुत्रा में, ब्रजवासी जो है स्नान आदि की इच्छा से नहीं आए थे, वो सब मिलकर आए थे किसको, कृष्ण को वापस वृंदावन ले जाने के लिए। इस चीज पर अड़े हुए थे कौन, नंद महाराज। जब देखा कि नंद महाराज नहीं मान रहे, तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव और बलराम को लेकर के एकांत में नंद महाराज के पास मिलते हैं। कृष्ण ने कहा, पिताजी देखो, यदि मैं इन विष्णियों को छोड़कर आज सीधे आपके साथ ब्रज जाता हूँ तो मेरे बिछों में ये मेरी पत्नियाँ, मेरे जो क्या नाम, मेरे पुत्र हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये सब के सब मर जाएंगे। तब केशी अरिष्ट से भी अधिक शक्तिशाली जो हजारों शत्रु राजा हैं जिनका मुझे भी सफाया करना है, अभी बाकी हैं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। यदि आप सुने तो बताऊँ, द्वारका लौटने पर मुझे युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण प्राप्त होगा, मैं उसके राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इंद्रप्रस्थ में आऊँगा और वहाँ मैं शिशुपाल का वध करूँगा, फिर वहाँ से द्वारका लौटने पर साल का वध करूँगा और फिर मथुरा से दक्षिण स्थान की यात्रा करके दंतवका का वध करूँगा और आप सबको बचाऊँगा। इसके बाद मैं ब्रज आऊँगा, सारे मित्रों से मिलूँगा, आपकी गोद में बैठूँगा, हाँ आपका प्रेम प्राप्त करूँगा, आप निश्चित हो जाइएगा, चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको पक्का वादा कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूँ। अपने पुत्र कृष्ण की बात सुन करके, इन तर्कों से आश्वस्त होकर के कि मेरे पुत्र का सुख सर्वोपरि है, नंद महाराज ने अपने मन को समझा दिया और उन्होंने वासुदेव से वो जो भेंटे दे रहे थे उसको स्वीकार कर लिया और इस प्रकार विदा लेकर के मैं कहाँ चल पड़े, ब्रिज की ओर चले। और कृष्ण भगवान ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, यदुवंशियों की बहुत बड़ी सेना ब्रिजवासियों की सुरक्षा के लिए भेजा ताकि कोई उनको रास्ते में कठिनाई ना हो, या पूरी बहुत बड़ी सेना को उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके साथ भेजा, कि इनके साथ नंद बाबा के साथ भेजा। और इस प्रकार अब नंद महाराज जी विदाई लेकर के कहाँ चल पड़े हैं, कुशुत्रा से ब्रिज की ओर चल पड़े हैं। बंधुषु प्रतियातेषु वर्षनया कृष्ण देवता वीक्ष्य प्रवशम आसनात् ययो द्वारावतीं पुनः। सुदेव गोस्वामी कहते हैं, इस तरह जब उनके सभी संबंधी विदा हो चुके और जब वर्षा ऋतु को निकट आते देखा तो विष्णुजन
जिनके लिए एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण थे वो भी अपने द्वारका को लौट गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार करेंगे नैया रे, हरि बोल जय हो, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, माखन चुरैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया गौ में चरैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। मित्र सुदामा कंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहाँ रहे हो भैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। मेरी पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन कारत रण में हाका, सांवले आखिर धारी बांका, आलिया नाग नत्रिया रे, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। रुपते सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज करी ना देरी, आ गए चीर बढ़ैया रे, भज कृष्ण कन्हैया। आ गए चीर ब
भज कृष्ण कन्हैया बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम यज्ञ पर जोर दिया। तो कलयुग में सबसे सर्वोत्तम यज्ञ जो है आज से 500 साल पहले स्वयं भगवान कृष्ण जी ने राधा जी का रूप लेकर के राधा जी का भाव लेकर के चित्रमय रूप में प्रकट होकर बताया था। सबसे सर्वोत्तम यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम संकीर्तन सबसे सर्वोत्तम यज्ञ है। यदि हम इसको अपनाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में आया है कृष्ण मुंडम तसा कृष्णा संग पांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जनती सुमेधसा। करभाजन मुनि जी महाराज निमि से कहते हैं ग्यारह स्कंद में कि कलयुग में सुमेधसा जो बुद्धिमान लोग होंगे क्या करेंगे,
हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन जो है वो सबसे सर्वोत्तम यज्ञ है। तो आप सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस हरिनाम संकीर्तन को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको जितना अधिक हो सके जप कीजिएगा। इतना जप कर दे कि जप करके हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। और अब ये कथा यहाँ पर विश्राम ले रही है। ये कथा हमने पहली बार सुनाई है, जब हम पीछे कथा सुना रहे थे पुरुषोत्तम मास के प्रथम भी सप्ताह में, तब हमारे हृदय में ये प्रेरणा आई, ये भगवान की तरफ से प्रेरणा आई थी कि कुसुत्र के बारे में यहाँ पर जो भगवान की हुई लीला हुई है उसके बारे में तो कभी आज तक सुनाया नहीं है, इतनी कथा सुना रहे हो हैं, तो हमारे हृदय में प्रेरणा आई थी पिछली बार हैं, तो हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया। इस प्रयास में अगर कोई त्रुटि रह गई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये मैंने पहली बार ये कथा सुनाई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस कथा के सभी यजमानों का और सभी श्रोताओं का। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय। प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम सभी भक्त हाथ जोड़कर। हम किसी भी प्रकार से प्रभु जी का धन्यवाद शब्दों के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सभी मिलकर भी अगर हम प्रभु जी का धन्यवाद करने का प्रयास करें तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इतनी सुंदर और इतनी मधुर श्रीमद् भागवत कथा प्रभु जी ने हम सभी को श्रवण करवाई है। अभी भी हृदय और मन उसी बात पर टिका हुआ है कि भगवान नंद महाराज जी को क्या कह रहे हैं कि मैं शिशुपाल का वध करके, दंतवक्र का वध करके और अन्य असुरों का वध करके मैं वापस वृंदावन आपके पास आऊंगा और आपकी गोदी में खेलूंगा। मेरा तो खासकर जो मन है और जो मेरा हृदय है वहीं जाकर बैठ गया कि अब होगा क्या, क्या भगवान श्री कृष्ण जाएंगे वृंदावन की नहीं जाएंगे, कि उनको लारा लगा दिया है और नंद महाराज उनकी बातों में आकर वापस वृंदावन चले जाते हैं। मेरा मन तो वहीं पर है कि क्या होगा, क्या आपका मन और आपका हृदय भी इसी बात पर वहीं पर टिका हुआ है, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं। और आज मैं सबके नाम पढ़ूंगा। आप सभी भक्त बहुत सौभाग्यशाली हैं और मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। सही समय पर, बिल्कुल समय पर अपना टाइम निकालकर आप कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आइए सब मिलकर प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करें। जिस प्रकार प्रभु जी कहते हैं, अभी प्रभु जी ने बोला कि पहली बार कथा ये वाली श्रवण करवाई है, सुनाई है, और अगर उनसे कोई त्रुटि हो गई प्रभु जी कह रहे थे, तो ऐसे ऐसे शब्द सुन के मन थोड़ा सा और हृदय को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने हम पर इतनी कृपा कर दी है, लेकिन फिर भी प्रभु जी इतनी विनम्र है कि प्रभु जी ऐसी बात कह रहे हैं। तो आइए सभी हाथ जोड़कर प्रभु जी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे। बहुत ही अत्यंत ही मधुर और बहुत ही कम श्रवण होने वाली, कम सुनने वाली कथा, मैंने पहली बार ये कथा सुनी है, तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। आइए एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आंखें बंद हुई तो लगा कि भगवान नंद बाबा की गोदी में बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो प्रभु जी से अवश्य बैठेंगे, अवश्य बैठेंगे, प्रभु जी गारंटी दे रहे हैं इस बात के लिए। तो कार्तिक मास आ रहा है, 30 अक्टूबर से है, तो बधाई हो आप सभी को। पहले तो पुरुषोत्तम मास का व्रत हम सभी ने पूर्ण किया है, प्रभु जी ने अभी बताया व्रत मतलब यज्ञ, और यज्ञ में जब क्या नाम है, प्रभु जी ने बताया कि भगवान का नाम का संकीर्तन का यज्ञ जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर हम सभी को बताया है, उसमें हमने क्या करना है, आश्रय लेना है। पुरुषोत्तम मास का व्रत यहीं पर पूर्ण हो रहा है, आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, कुरुक्षेत्र धाम से सुनी है,
परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी के द्वारा जो शुद्ध भक्त हैं, तो बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई हो। आपके पुण्य की तो गणना पता नहीं कौन ही करेंगे, बहुत पुण्य हम सभी भक्तों ने अर्जित किए हैं। थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस सत्यपति दास प्रभु जी। उन यजमानों का धन्यवाद करना चाह रहे हैं, उनका नाम लेंगे और ध्यान रखा जाए, आप सभी भक्त जो यजमान बने हैं इस कथा में, आप सभी भक्तों को इस्कॉन कुरुक्षेत्र की ओर से प्रभु जी के द्वारा पर्सनल कुछ गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं। विद लव एंड विद केयर वी आर सेंडिंग यू दिस गिफ्ट्स। नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन, यू विल गेट दिस गिफ्ट फ्रॉम प्रभु जी, फ्रॉम कुरुक्षेत्र धाम। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपना नाम, अपना एड्रेस 9215678101। आई एम प्लीज रिपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हमें रिसीट इश्यू करने के लिए हमें आपके एड्रेस की जरूरत है, और कोरियर भी अगर करना होगा हमें आपका गिफ्ट, वी नीड योर एड्रेस 9215678101। ये नंबर आपके पास आ गया है, प्लीज अपना नाम और अपना एड्रेस, जो यजमान बने हैं प्लीज इस पे आप, जो यजमान बने हैं जिन्होंने सेवाएं की है, इस नंबर पे आप अपना एड्रेस प्लीज भेज दीजिएगा। प्रभु जी आप कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, और हाँ जी, तो प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवत की आरती होगी, और उसके बाद मैं आपके नाम लूंगा और जानना चाहूंगा कि कार्तिक मास में कौन कौन भक्त भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं, और क्या वो इसी कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्या आप सुनना चाहेंगे कि आगे भगवान द्वारका जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सबसे पहले हम आप सभी भक्तों का जो बड़े उत्साह के साथ भागवत कथा सुन रहे थे 7 दिन से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम को, इस भागवत कथा को आयोजन करने वाले हमारे यजमानों का हम विशेष धन्यवाद करते हैं। हमारे यजमानों की तरफ से ही ये भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु जी अपना कीमती समय निकाल पाए, अन्यथा प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कुछ भी इधर उधर जाने का, अपने लिए भी पर्सनल कोई टाइम ही नहीं होता, भगवान की सेवा इतने व्यस्त होते हैं। आप भक्तों की जानकारी के लिए, परम पूजनीय प्रभु जी 25 साल से भागवत कथा कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा यूपी में प्रभु जी ने बहुत प्रचार किया है, हर महीने दो दो तीन तीन कथाएं चलती हैं परम पूजनीय प्रभु जी की, और सभी धामों में भागवत कथा हो चुकी है। 25 साल से दिन रात भागवत कथाएं कर रहे हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यजमान बने थे, यजमानों ने निवेदन किया था, तो परम पूज्य प्रभु जी 7 दिन का समय निकाला और हम सबको ये भागवत कथा का श्रवण कराया। तो यजमानों की तरफ से हम सबको प्राप्त हुई है भागवत कथा, तो मैं ऐसे यजमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये यजमान है भागवत कथा के, हिज ग्रेस राघव हरिदास प्रभु जी कुरुक्षेत्र से, हिज ग्रेस कृष्ण सेवक दास प्रभु जी अम्बाला कैंट से, जो इस्कॉन प्रचार अम्बाला कैंट के प्रधान है, गीता माता जी पंचकुला से, साधना ससदेव माता जी यमुनानगर से हैं, गुंजन पाल जी मुजफ्फरनगर से हैं, लीली मधवार माता जी गुड़गांव से, गुरुग्राम से हैं, पवन मित्तल जी अम्बाला कैंट से हैं, गरिमा दुबे जी गोवा से हैं, सिमरन दयाल जी सहारनपुर से हैं, अंजना माता जी अम्बाला कैंट से हैं, और वैष्णवी जादे जी अर्थात गोपाल शंकर राव जादे जी जिन्होंने ये सेवा भेजी है, और ये नागपुर से हैं, और मधुलाल माता जी फरीदाबाद से हैं, गीजल सेठी जी हैं, गोविंदा स्वरूप देवी दासी जी हैं कनाडा से, एक माता जी ने गुप्त सेवा भेजी है भागवत कथा के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पूजन झा जी नेपाल से हैं, रेखा गांधी जी डेलास टेक्सास यूएसए से हैं, और एक माता जी हैं हमारे अम्बाला से जिन्होंने गुप्त सेवा भेजी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ललिता माता जी वैस्को से अर्थात गोवा से, ये भी यजमान बने, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पूनम कोटियान माता जी ये भी यजमान बने हैं, बॉम्बे से हैं, और मंजू गोयल माता जी पानीपत से हैं। ये सारे यजमानों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनके कारण से हमें भी
खुद इक्ष्वाकु कुरुक्षेत्र के भक्तों को भी ये भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी यजमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भगवान श्री राधा कृष्ण से, गौर निताई जी से, जगन्नाथ बलदेव सुद्रमानंद से, श्री श्री राधा राधा कांत जी से, श्री प्रभुपाद जी से और अनंत कोटि वैष्णव वृंद से आप सभी भक्तों के लिए लंबी आयु, यशस्वी जीवन और भक्ति से पूर्ण जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप सबका कृष्ण में परिवार खूब फले फूले, ये हमारे भगवान के चरणों में प्रार्थना है। कुछ अन्य भक्त भी हैं जिन्होंने इस यज्ञ में, इस भागवत कथा में सेवाएं भेजी हैं, वो इस प्रकार से हैं। अनिता बिष्ट जी, श्री अमन हास जी, वीरेंद्र खुराना जी रोहतक से, नीतू शिवानी शाह जी, निर्मला राय जी वडोदरा से, भारत अरोड़ा जी अहमदाबाद से, प्रियानंदा जी और आनंद गुजारा जी, जितेंद्र कुमार पानीहाटी जी, वैद्य रुचिता जी मुंबई से, जयंती नायक जी उड़ीसा से, श्रुति माता जी अंबाला से और आशा भाटिया जी शाहबाद से और मिसिज रेखा जी जो है, इन सब ने भी कुछ ना कुछ सहयोग किया है हमारा। हम सब भक्तों का भी धन्यवाद करते हैं और आप सब के लिए भी भगवान से मंगल की प्रार्थना करते हैं। और अब हम परम पूज्य प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि आप सब की तरफ से श्रीमद् भागवत की जो आज की आरती है, विश्राम आरती, ठीक है, ये परम पूज्य प्रभु जी अपने कर कमलों से आप सब की तरफ से करेंगे और आप सब भक्तों को भगवान का आशीर्वाद दिलाएंगे, ये हमारा परम पूज्य प्रभु जी से निवेदन है। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सबसे निवेदन है कि जिन भक्तों ने सेवाएं तो भेज दी है लेकिन अपने एड्रेस नहीं भेजे हैं, इस नंबर पे 9215678101 पे कृपया अपना एड्रेस और जो है नाम अवश्य भेज दें ताकि हम आपको प्रसाद भेजें और आपको जो गिफ्ट है वो भेज सकें इस भागवत कथा का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं आपके कमेंट्स, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं प्रभु जी के सामने, मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। थैंक यू। पहला आरती करने और जी आइए श्रीमद् भागवत की आरती करेंगे पहले और फिर उसके बाद आपने जो अपने कमेंट्स प्रभु जी के लिए भेजे हैं मैं उनको पढ़ूंगा प्रभु जी के सामने। आइए श्रीमद् भागवत की आरती। Oh,
सो मच मैक्सिमम डिवोटीज अभी से ही डेट पूछना चाह रहे हैं कि अगली भागवत कथा कब होगी जैसे हिसाब से कमेंट्स में देख रहा हूं. ओके लेट्स रीड योर कमेंट्स. ओके धीरज भाटिया निर्मल रे मिश्रा जी सबका नाम भी ले रहा हूं ताकि आपकी हाजिरी तो लगी रही है लेकिन फिर भी तेजस्वी ठाकुर जी वर्षा रानी जी प्रियम विश्वास ज्योत्सना दास लीना कोल प्रियम विश्वास सतपाल शर्मा सोनू बताम नितिका सागर वर्षा रानी डैक्स मोदी एंड मनीषा परयानी यशोदा पोखरेल जी थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड सभी भक्तों का उन्होंने धन्यवाद किया. कुरुक्षेत्र फैमिली को धन्यवाद किया थैंक यू मात जी. कार्तिक परमार हिज ग्रेस श्रीवास चरणदास प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम. ज्योत्सना दास अमर धरनल अस्पी बिलमोरिया चिंतला श्रीनिवास शरबंती सरकार पूनम खुराना जी लिखती है थैंक्स हिज ग्रेस साक्षी गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम थैंक यू सो मच. आइडल कार्तिक पात्रा ज्योति बाबर बरबी जुनेजा मूलचेना गिरी और पप्पू सिंह जी तेजस्वी ठाकुर तथी तुसु एंड उसके बाद हैं रूपल रवि जी उसके बाद तान्या रोड़ा जी निर्मला रेश जी एंड पूनम कोतियान लिखती हैं द रिलैक्सेशन ऑफ 15 डेज फॉर भागवत कथा सीन्स एक लॉन्ग टाइम 15 दिन बीच में है कार्तिक तक समझ नहीं पाएंगे हम सह नहीं सकते हैं इसको. नेवरदलेस वुड लुक फॉरवर्ड टू इट ड्यूरिंग द कार्तिक मास एंड थैंक यू हम भक्तों को बोला है थैंक यू माता जी. एंड आरती अति पावन पुराण वर्षा जी ये डेली लिखती थी थैंक यू. पेइंग हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड गरिमा दुबे जी गोवा से. एंड हु एल्स वेदांत चौहान थैंक यू सो मच दंडवत प्रणाम प्रभु जी. आवर माइंड इज स्टिल एट द सेम प्लेस सर्चिंग फॉर वेदर कृष्णा विल सिट इन द लैप ऑफ नंद बाबा और नॉट. इनके भी मेरी जैसे हालत हो रही है. वी वॉन्ट टू लिसन इन कार्तिक मास ऑल्सो. Yes, I am interested to listen Bhagavatam Kath in Kartik Mas. Kon Poonam Khurana Ji, Gunjan Pal Ji, we want to hear the continuation of this Katha in Kartik Mas. Yehi jaanni hai, yehi sunni hai. Aur Jitendra Seni Ji, Arvindra Singh Ji, we want to listen Bhagavat Katha in Kartik Mas. Also Prabhu Ji, Yashoda Pokhral Ji. Hum Yajman ke liye ready hai, Hare Krishna Ji, Krishan Kumar Ji, Lo Ji. Krishan Kumar Prabhu Ji to Ambala. Soni Ji, Prabhu Ji ko pranam hai. Hare Krishna. Ji Ji, Prabhu Ji, bohat bohat dhanyavaad hai, Lo Ji. बहुत बहुत खुशी हुई ये वाला मैसेज पढ़ के तो खासकर बहुत खुशी हो गई है कि अगली भागवत के लिए यजमान आने लग गए हैं. अगले यजमान जो आएंगे वो तो कार्तिक मास के लिए आएंगे.
पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय महीना, लेकिन कार्तिक महीना जो है शास्त्र कहते हैं वो श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा आप बोलोगे यजमान मनवा रहा है, लेकिन बात ऐसी है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है कि राधा रानी को प्रसन्न करना है। अब उत्तर तो ये आएगा कि राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अब देख लीजिए कौन कौन यजमान। तेजस्वी ठाकुर जी, त्रिलोकी शर्मा जी एंड द लिस्ट इज ऑन, ज्योत्सना दास एंड एंड एंड। प्रभु जी हमारी रिक्वेस्ट है कि कार्तिक मास की कथा गोपी गीत पर हो। वाह कृष्ण कुमार प्रभु जी बिल्कुल तत्व में जा चुके हैं, बिल्कुल गहराई में चले गए हमारे कृष्ण कुमार। प्रभु जी को जय हो। बहुत अच्छा सजेशन है प्रभु जी। यस वी विल पुट इट अप इन फ्रंट ऑफ प्रभु जी। हाँ जी मैं सुनना चाहता हूँ, मेरा तो गला ही बैठ गया बोल बोल। एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैं सुनना चाहता हूँ, मैं कार्तिक मास के व्रत करना चाहता हूँ। रखिएगा बिल्कुल, आप कथा भी सुनिएगा। एंड 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 यस वी वॉन्ट टू हियर भागवत कथा इन कार्तिक मंथ। अंजना रानी जी 365 दिन ही आप कथा कीजिए ना प्रभु जी। रुचिता वैद्य जी वाह माता जी वाह वाह माता जी, जोश हो तो आपके जैसा हो, बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सुनना चाहेंगे कार्तिक मास में जी प्रभु जी। ऐसे अनगिनत मैसेज है कितने पड़े, मैं तो वैसे गला बैठ गया, लगता गला बंद ही हो जाएगा। दर्शना रहजा जी यस प्रभु जी कई बार लिख चुकी हैं, और नारद प्रसाद जी, मेहुल स्वाध्याय जी, प्रभु जी आपके चरणों में मुद्गल पूरे परिवार की तरफ से ही कोटि कोटि प्रणाम है जी। माता जी जय 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 हो जय हो जय हो आप भक्त वृंदों की, आपके उत्साह की, आपके प्रेम की। रेखा गांधी माता जी का मैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है, यूएस से है। माता जी नाराज ना हो जाए। अच्छा माता जी ने पूरा महामंत्र लिख दिया, महामंत्र में सारे अपनी धन्यवाद प्रभु प्रभु जी के प्रकट कर रही हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द डिवोटी। सरिता सोनी माता जी, मधुलाल जी फरीदाबाद से, और ये तो ऐसे चलता रहूंगा तो मैं तो एक दो बज जाएंगे आज सुबह के अगले दिन के ना। सुंदर कथा सुनाई प्रभु जी ने, थैंक यू ऑल आर सेइंग। माता जी ने सार लिख दिया, प्रभु जी उद्धव गीत पर भी बोलिए ना। आकाश दोबरियाल जी अब फरमाइशें आने लग गई हैं, बहुत बहुत बढ़िया। गोपी गीत हो गई, उद्धव गीत हो गई, और ये वाली कथा कंटिन्यू करवाना चाहते हैं भक्त। राधा रानी प्रसन्न होंगे तो ऑब्वियसली कृष्ण प्रसन्न होंगे। ठीक है थैंक यू वेरी मच। जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है। और आपसे पहले तो मैं ही जानना चाहूंगा कि अगली कथा कब है, तो जल्दी से वापस आएंगे अनाउंसमेंट्स के साथ। प्लीज स्टे कनेक्टेड टू इस्कॉन कुरुक्षेत्रस फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज। वी आर वन फैमिली, वी लव यू, थैंक यू फॉर लविंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। श्रील प्रभुपाद की संडे प्रोग्राम तो सत्संग प्रोग्राम। यस 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 पूनम माता जी 15 दिन बहुत दूर लगते हैं, तो ये देखिए परसों संडे आ रहा है प्रभु जी का संडे सत्संग, उसका लाभ उठाइएगा। हर संडे को संडे सत्संग 7:15 ही प्रभु जी आएंगे लाइव। परसों की बात है, मिलते हैं फिर से परसों। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।